करिए। इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, या तो प्रूव कर दीजिए या डिसप्रूव कर दीजिए। कॉन्टिन्यूस कैसे है भाई, जरा समझाओ मुझे कैसे कॉन्टिन्यूस। आर कॉस थीटा आर साइन थीटा लेंगे तो नीचे वाले का पोर्शन का क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई का, वो कहाँ जाएगा? कहाँ कॉस थीटा साइन थीटा कहाँ जाएगा? नीचे वाला, निचले हिस्से में भी तो है। फिर ऊपर वाले को लेस कह रहे हैं तो नीचे वाले को ग्रेटर बोलेंगे। देखिए भाई, इधर कॉन्टिन्यूटी तो पता ही नहीं लग रहा हमें, नहीं पता लग रहा भैया। जरा ध्यान से देखना, दिस इज प्राइसलेस, दिस इज प्राइसलेस। अगर आप कॉन्टिन्यूटी के लिए एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो कर रहे हैं, कल आपको सिखाया था, तो कुछ लेस ग्रेटर नहीं सूझेगा। तो उससे बचने के लिए आपको बोला था आर थीटा ले लो भाई। ये बन जाएगा आपका आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यही है। सो दिस टर्न्स आउट टू बी आर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। लास्ट क्लास में जितना कॉस थीटा साइन थीटा आया था सब लेस हो रहा था, रीजन बीइंग वो सब ऊपर बैठा हुआ था न्यूमरेटर में, ये तो नीचे डिनोमिनेटर में बैठा है, ये लेस थोड़े ना होगा। क्या चीज़ से लेस होगा आप ही बता दो फिर। नहीं, इसका कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ है, बहुत बढ़िया चीज आप करने जा रहे हैं। जस्ट सी, देखिए कॉन्टिन्यूटी छोड़िए, अगर लिमिट ही चेक कर लेते हैं पहले, लिमिट एग्जिस्ट कर भी रहा है भाई का या नहीं कर रहा। यस, अलोंग एक्स एक्सिस ट्राई मार रहे हैं भैया हम, अलोंग वाई एक्सिस और वाई इक्वल टू एक्स भी इवन। हाँ जी, अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब है एफ ऑफ एक्स कॉमा जीरो। जरा पुट करके बताइए क्या आएगा। ये तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स बन जाएगा, यानी एक्स बन जाएगा। यहाँ अगर आप लिमिट लगाएंगे एक्स बाय टेंस टू जीरो, दैट मीन एक्स टेंस टू जीरो, तो एक्स टेंस टू जीरो में तो जीरो आएगा। ट्राई कर रहे हैं ऐसे ही, वाई एक्सिस पे ही एफ ऑफ जीरो कॉमा वाई, जैसे ही आप इसमें, तो ये वो वाई आ जाएगा। इसमें भी एज लिमिट, यस लिमिट लगाएंगे एज वाई टेंस टू जीरो, तो व्हाट इज द आंसर? ये तो मैच होते हुए दिख रहे हैं, इवन वाई इक्वल टू एक्स भी सेम ही आएगा, जीरो ही आएगा मतलब कहने का। तो अब क्या करें, क्या ना कॉन्टिन्यूटी हो रहे हैं ना लिमिट समझ में आ रहे हैं। अच्छा देखिएगा जरा ध्यान से, किस पॉइंट पे चेक करना है आपको कॉन्टिन्यूटी? जीरो जीरो पे, तो जीरो जीरो से पास करते हुए सभी पाथ्स के लॉन्ग आंसर सेम आना चाहिए। अब जीरो जीरो से खाली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थोड़े ना है, वाई इक्वल टू एक्स भी है, तो जरूरी नहीं है सीधा कर वो, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है अलोंग द पाथ। जरा इसके अलोंग कीजिए, करिए जरा, बताइए क्या आएगा अलोंग दिस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। मैंने बोला कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं हम, जिस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म मिसिंग होता है, कांस्टेंट टर्म नहीं होता वही ओरिजिन से पास करता है। यहाँ देर इज नो कांस्टेंट टर्म, इट विल 100% पास थ्रू ओरिजिन। तो दिस इज अ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन। जरा इसके अलॉन्ग बताओ क्या आंसर आएगा। अरे भैया क्या हो गया आप लोगों को, जीरो नहीं आ रहा, गया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या हो गया भैया आप लोगों को, कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? सदमे सदमा लग गया लगता है। हाँ क्या करते हो यार, ठीक है ना? एक्स एक्स कैंसिल, दिस विल बी वन प्लस, ये क्या है आपका, कैंसिल हो जाएगा। यस, एज एक्स टेंस टू जीरो, इसका क्या आंसर आएगा? टू आएगा आई थिंक आंसर इस पे, दिस गोज टू टू एज एक्स टेंस टू जीरो। अब जरा ध्यान से सुनिए, यस एक्स एक्सिस के लॉन्ग जीरो आ रहे हैं और ये इस पाथ के लॉन्ग आपका आंसर टू आ रहा है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। अब जिसका लिमिट नहीं एग्जिस्ट करता वो कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? यस, कितने लोगों को समझ में आ गया? अरमान, देवाशीष, निहारिका, रिदम, सलोनी, सनत, सीएम, कितने लोगों को समझ में आ गया ये? मुझे नहीं समझ में आया लेकिन मैं तो समझाए बिना छोड़ूंगा नहीं। देखो भाई स्टूडेंट्स, एवरीवन, मैं बोल रहा हूँ ना बहुत बड़ी चीज करने जा रहे हैं ये, मैंने तो लिख दिया
ये आप कैसे सोचेंगे? देखिए ऑर्डिनरी पाथ्स तो कोई भी सोच लेता है, जैसे एक्स एक्सिस के लॉन्ग 0 0 पे चेक करना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया, वाई के लॉन्ग हो गया, या लाइंस ले लीजिए वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू 2x, या हद मार के पैराबोला भी ले लेते हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू 2x2, इस तरीके से ये सब तो सोचा जा सकता है। ये कैसे सोचोगे, कैसे सोचोगे बताओ? ये तो मैंने बताया ना आपको, फिर कैसे करेंगे आप ये? तो अभी ये इसी में जाएंगे हम कि ऐसे पाथ कैसे निकाले जाते हैं। लिख लीजिए पहले, कैसे पता लगेगा कि इस तरह के पाथ लेने हैं आपको? अगेन अ न्यू कॉन्सेप्ट इज कमिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको मेरी बात समझ में आई? आप लोगों को भी क्या करने जा रहे हैं हम? गड़बड़ घोटाला, किताबों में होता है ना गड़बड़ घोटाला। अब आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए स्पेशल टाइप, स्पेशल टाइप। उसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, हमें 5 अलग करके बता देते हैं आपको। इसमें टाइम लगेगा भाई, लेकिन आज ही पक्का हो जाएगा। बाकी सब में डिवाइड करके लिख लीजिएगा, जैसे पहले में लिखा है वैसे सब में आएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? या लिखे हैं 0 0 लिखे हैं बार बार? समझ गए ना आप लोग क्या है? अच्छा अब इधर देखिए कि कैसे पता लगेगा आपको कि ये क्वेश्चन उस कैटेगरी में फॉल कर रहा है नहीं जो पिछले क्वेश्चन का कैटेगरी था। एवरीवन, सबसे पहले काम आप ये किया करो, देखो हमने जो पोलर में कन्वर्ट किया है उसका मोटो क्या है, ये क्या दे रहे हैं आप लोगों को? आर थीटा, एज आर वेरीज एंड थीटा वेरीज यू विल कवर द होल प्लेन, सब जगह। अच्छा जी, बढ़िया, ध्यान देंगे इधर। ये क्वेश्चन हमने कल किया था लेकिन जैसे ही शुरू हुआ कुछ लोग गायब हो गए, क्लास छोड़नी नहीं चाहिए। जरा मुझे बताइए ये एफ आर थीटा में क्या देगा आपको? जब एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा करेंगे तो आर थीटा में क्या देगा? यहाँ कुछ है भाई, ये ऑब्जर्व जब तक नहीं करेंगे क्वेश्चन हैंडल ही नहीं होगा। वो ऑयलर्स वाला हाल है इसका भी, ऑब्जर्वेशन जरा बताइए। यस आई वुड लाइक टू लिसन। सो दिस विल बी आर टाइम्स 4 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ये रहने दो, ये वाला ले लो, अब आएगा ना सही आंसर। हाँ जी, ऊपर आपका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में कितना? आर स्क्वायर। तो जब ये एफ आर थीटा आपने लिया इसको, तो ये बन गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। डांस करने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ जी, आप ही लोगों से बात हो रही है, डांस करा देगा ये आपको कॉस, ठीक है ना? अच्छा फिर स्क्वायर लिख दिया मैंने, सॉरी। भाई देखो इसको प्लीज ट्राई टू ऑब्जर्व, यही चीज है। अब ये इसके आंसर्स यस डिफरेंट थीटा के लिए डिफरेंट आएंगे। थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे क्या आंसर आएगा आपका? 0। थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे क्या आंसर आएगा? बोलिए क्या आएगा? 0 तो नहीं आएगा ना, 1/√2 यानी 1/2, एंड यू नो अलग अलग एंगल्स पे डिफरेंट आंसर दे रहे हैं, तो साफ साफ दिख रहा है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो भाई ये है आपके लिए मूल मंत्र, अब से पहले नहीं किया अब कर लीजिएगा। कोई भी फंक्शन आपके सामने आ रहा है अगर, कोई भी फंक्शन लिमिट के लिए या कॉन्टिन्यूटी के लिए, तो भैया सबसे पहले वैसे ही बिना कुछ करे उसमें आर थीटा पुट करके देखिए, इफ इट कंटेन्स थीटा विदाउट आर, थीटा टर्म विदाउट आर, तो भैया वो क्वेश्चन फंस सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है। इन सब में यही होने वाले हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसके साथ अगर आर जुड़ा होता तो बात अलग थी,
फिर डांस ही कराना मुश्किल है बिकॉज आर की लिमिट भी लगेगी, बट अब तो आर का कोई लिमिट ही नहीं लगेगा, यू कैन सी। अच्छा आप बताओ एक चीज, मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला आपको, बट गलत सलत तो चलते ही रहते हैं। अगर आप निकाल रहे हैं इसका लिमिट, लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो निकाल रहे हो, तो भाई अब जीरो के बहुत पास होगी ना। अगर आपने एक्स वाई को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर ही दिया है, अभी आर थीटा यहाँ बैठा हुआ है, अगर आपको ये जीरो जीरो को पहुंचना है तो जो लेंथ है उसको तो मिनिमाइज ही करना पड़ेगा, यानी आर को तो जीरो पे लेके जाना पड़ेगा ना। दिस इज इक्वलन टू सेइंग am I right? तो अगर यहाँ आर प्रेजेंट होता तो शायद वो पूरे एक्सप्रेशन को खींच के जीरो भी बना सकता था, बट अब तो आर है ही नहीं, क्या करोगे लिमिट लगा के। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्या ये यहाँ का मूल मंत्र क्या है भैया? जैसे ही कोई फंक्शन आपके सामने आता है लिमिट के लिए या क्वांटिटी के लिए, आप सबसे पहले उसमें आर थीटा ऐसे ही रफ में पुट करके देखिए कि क्या उसके पास कोई थीटा टर्म विदाउट आर है या नहीं है। अगर उसके पास थीटा अकेला है तो भैया वो आपको घुमा के रख देगा, क्योंकि डिफरेंट थीटा मीन्स डिफरेंट आंसर्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सब में देख लीजिए। अरे बाबा बात आई समझ में? पहले वाले में देखते हैं, ये शीयर ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज एफ आर थीटा इन द फर्स्ट केस? 2 r² cos θ sin θ / r² cos² θ + r sin θ। हाँ जी, r से r कैंसिल, एक बचेगा लेकिन, दिस इज 2 r cos θ sin θ, न्यूमरेटर हैज टेकन केयर ऑफ। हाँ जी, r cos square theta ये फंस गया जी। क्या इस एक्सप्रेशन में ऑल ऑफ यू, यस डज इट कंटेन अ थीटा टर्म विदाउट आर? तो मैं ये नहीं कह रहा फंसी जाएगा, फंस सकता है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको वो वाला मेथड अप्लाई करना जो करेंगे अभी हम पिछले क्वेश्चन, सब में यही है। दूसरा वाला भी देख लीजिए, बोलिए डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका? आर आर से आर कैंसिल, आर कॉस थीटा साइन थीटा, बट जो नीचे बैठा हुआ है वो तो दुखी करेगा ही करेगा भाई, बिल्कुल दुखी करेगा, बहुत दुखी करेगा। यस अगेन आई एम क्वेश्चनिंग ऑल ऑफ यू, क्या इस एक्सप्रेशन में आपके पास डज इट कंटेन अ थीटा टर्म विदाउट आर? बोलो बाबा, ये है पहली ऑब्जर्वेशन, सबसे पहली। अभी प्रेजेंट क्वेश्चन में आते हो, हाँ जी, इसमें होना नहीं, दिखाना पड़ेगा ना आपको, देख लीजिए पहले। सो दिस इज आर स्क्वायर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आपका? आर कॉस थीटा प्लस साइन, आर से आर कैंसिल, तो दिस विल बिकम क्या बन जाएगा ये आपका? आर टाइम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बिकॉज इसके साथ आर नहीं है तो ये अलग से घुमा सकता है आपको। तो भाई जब कभी भी ऐसा है तो वो मेथड लेना है आपको जो अब बताया जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, 5 क्वेश्चंस है, 5 अभी करने हैं, आज ही करने हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, we are in search of a path y equal to phi x कह लीजिए, g x कह लीजिए, f x कह लीजिए, कि जिसके अलोंग आपका आंसर x एक्सिस या y एक्सिस से डिफरेंट है। आपने देखा यहाँ x एक्सिस पे भी जीरो आ रहा है, y पे भी जीरो आ रहा है, तो जीरो से अलग आंसर है, बस ये ढूंढना है, अब ये वाला ढूंढना है। तो पहला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, बाकी सब धीरे धीरे आप मेरे साथ करना। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन करेंगे पहले कर लेते हैं हम ये सेकेंड वाला। ध्यान से देखिएगा थोड़ी देर के लिए, एफ एक्स वाई की जगह इसको हमने फाई एक्स वाई लिख दिया, पर ये है आपका एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं कि किसी तरह वी आर इन सर्च ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स, जिससे कि ये लिमिट जो है एग्जिस्ट ना करे। या अच्छा ये बताइए, एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग क्या आंसर आएगा इसमें? जीरो। सो ये जो अब जो आप एफ एक्स चूज करेंगे, जिसको ढूंढ रहे हैं आप, इसके अलोंग आंसर जीरो नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहला काम, लिमिट देखो जरा ध्यान से, लिमिट एक्स सॉरी इनिशियली ये था, मैंने आपको बोला भाई y को पुट करो एफ एक्स और एट द एंड जाके वो एफ एक्स आपको पता लगेगा। सो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम लिमिट x टेंस टू जीरो, x के साथ एफ एक्स लिख दीजिए और डिनोमिनेटर में भी x के साथ प्लस कर दीजिए एफ एक्स। हाँ जी, एज x टेंस टू जीरो न्यूमिनेटर तो जीरो है ही, तो भाई ये जीरो और नीचे भी जबरदस्ती आप जीरो बाय जीरो ही बना के चलेंगे। मतलब ये शुरू करना है आपको ऐसे, जीरो बाय जीरो रहना चाहिए, कब तक? जब तक वो नॉट इक्वल टू जीरो बाय जीरो ना आया। तो अभी के लिए जो हमें हमारे को पिक्चर क्लियर है वो ऊपर वाला तो क्लियर है, ये डिनोमिनेटर में जीरो बाय जीरो कब बनेगा? मतलब डिनोमिनेटर में जीरो बनने के लिए एफ जीरो शुड बी जीरो, तो ये चूज कर लीजिए। हाँ जी, वंस इट इज जीरो बाय जीरो, सो दिस इज इक्वल टू एल हॉस्पिटल रूल,
लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, डेरिवेटिव करके बताइए क्या आएगा, एक्स एफ डैश प्लस एफ एक्स। नीचे आ जाओ, हाँ नो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, एज एक्स टेंस टू जीरो ये तो जीरो हो गया और एफ जीरो आपने जीरो लिया ही था तो ऊपर फिर से जीरो है तो नीचे वाले को भी जीरो बनाइए, अभी बनाइए तो ये जीरो बाई जीरो कब बनेगा, आप क्या चूज करोगे, कितना माइनस वन, एक स्टेप और, सो दिस इज सेम एज एक्स एफ डबल डेरिवेटिव एक्स प्लस एफ डेरिवेटिव, अभी इस एक्सप्रेशन का किया गया, फिर से एफ डेरिवेटिव एक्स और अब निचला हिस्सा बस आ ही गया, आ ही गया। हाँ जी अब आइए सर, एज एक्स टेंस टू जीरो, ओके आ रहे हैं एक मिनट आ रहे हैं। ये ऑल ऑफ यू एक मिनट मल्टीप्लीकेशन देख लीजिए, एक्स इंटू एफ डबल डेरिवेटिव ठीक है, एफ डेरिवेटिव ठीक है, ये भी ठीक है, एक्स एफ डबल डेरिवेटिव प्लस ट्वाइस फाइन। हाँ जी अब आइए जरा ऑल ऑफ यू, एज एक्स टेंस टू जीरो अगेन ये जीरो हो जाएगा और ये एफ डेरिवेटिव जीरो, कितना है आपका आप देख पा रहे हैं अभी, देखिए ऊपर चांसेस है नॉन जीरो आने के, जब हमने यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखा था तो क्या आंसर आ रहा था, जीरो। तो अगर लिमिट लगा भी दें तो ये एक्सप्रेशन ऐसा है कि अभी आपका नॉन जीरो आंसर आ सकता है, बस यहाँ आके रुक जाओ अब कुछ नहीं करना, अब चलेंगे उल्टा। हाँ जी छोटे से में आ जाएगा आप सबको समझ में, ये एफ डबल डैश को ऐसे चूज करना है कि ये एक्सप्रेशन का आंसर जीरो ना आए, बस जीरो का मतलब इससे जो यहाँ आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे निकाला था उससे अलग। तो एफ डबल डेरिवेटिव कोई भी नॉन जीरो वैल्यू ले लीजिए, टू दिख रहा है टू ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए हो जाएगा, घर पे बैठ के खूब करते रहना। सो लेट मी चूज एफ डबल डेरिवेटिव जीरो एज टू ले लीजिए, सात दो भाई सात दो जस्ट वेट। तो ऐसा फंक्शन सोचना जिसका डबल डेरिवेटिव जीरो पे टू है, अरे ऐसा करो ना सारे पॉइंट्स पे टू ले लो, अगर सारे पॉइंट्स पे डबल डेरिवेटिव टू होगा तो जीरो पे भी होगा, ले लीजिए से अब देखते चलिए, ये बहुत कमाल की चीज़ है। हाँ जी अगर डबल डेरिवेटिव टू है तो इसका सिंगल डेरिवेटिव कितना होना चाहिए, आंसर दो भाई टू एक्स यही होना चाहिए और आपके पास डेरिवेटिव एट जीरो यहाँ पुट करिए अपने आप आएगा, तो दिस इम्प्लाइज ये माइनस वन जब जीरो पुट किया जीरो प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ ना आ जाएगा वो कर भी लोगे। सो अल्फा का वैल्यू कितना माइनस वन, सो दिस विल बिकम टू एक्स माइनस वन, ये एफ डेरिवेटिव का वैल्यू, तो एफ का वैल्यू क्या होना चाहिए आंसर प्लीज, अरे इंटीग्रेट करो टू एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स प्लस बीटा प्लस बीटा, अब ये एफ एक्स आ गया ये इसमें पुट करिए तो यहाँ जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और बीटा भी जीरो, बीटा का वैल्यू क्या आ गया आपका जीरो, तो आ गया आपका एफ एक्स। हाँ जी दिस इम्प्लाइज आपका एफ एक्स क्या होना चाहिए, सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। हाँ जी अगर यकीन नहीं हो रहा है तो ये फंक्शन इसमें पुट करके देख लीजिए, आंसर जीरो नहीं आएगा, आर यू गेटिंग द पॉइंट, बस ये वाला काम करना है आपको, सब में करेंगे अभी अभी हो जाएंगे अभी के अभी। अगर इफ यू आर कंफर्टेबल आप वाई की जगह जी एक्स भी ले सकते हैं, बेसिकली हम वो पाथ ढूंढ रहे हैं, जी एक्स ले तो ये जी में आ जाता है, कोई ऐसा इशू थोड़ी ना, कहीं बच्चे सोच रहे हैं कि एफ वहाँ भी लिखा है वहाँ भी लिखा है, इट शुड बी क्लियर, थिंक शुड बी वेरी वेरी क्लियर। अभी ये पांचों क्वेश्चन होंगे, सो वी आर थ्रू विद दिस, ये ग्रीन वाला साइड हो गया, आपको क्या करना है अपनी तरफ से वाई को कोई फंक्शन मान लीजिए जी एक्स एफ एक्स वॉट एवर, और बिकॉज न्यूमरेटर में जीरो आ ही रहा था, हमें लिमिट एग्जिस्ट करने लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के लिए वी आर इन सर्च ऑफ आंसर विच इज नॉन जीरो, बिकॉज जीरो तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग आ ही रहा है, जो नॉर्मल आपके एक्सिस हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इवन वाई इक्वल टू एक्स के लॉन्ग भी शायद जीरो ही आ रहा था, तो वो सब नहीं चाहिए हमें, हमें नॉन जीरो चाहिए, तो बिकॉज ये इसको जीरो बना रहा है तो चलते रहो फिर आगे जीरो बाय जीरो बनाओ ये चूज कर करके, कब तक करना है जब तक आपको नॉट इक्वल टू जीरो बाय जीरो ना या नॉन जीरो आंसर आता हुआ ना दिखे, नॉन जीरो आंसर भाई। क्लियर हो गया आप सबको, हेलो स्टूडेंट्स इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आज तो वॉट लगेगी रुक जाओ तुम, आओ जरा इधर एवरीवन, जो हमने फाइंड किया है जैसे ट्वेल्थ क्लास में मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड किया जाता था और यकीन के साथ कि वो इनवर्स है या नहीं है, काउंटर चेक, सो लेट मी चेक एफ एक्स कॉमा वाई
तो दिस इज एफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. अब पुट करेंगे तो हो ही जाएगा काम. सो इट इज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. और ये क्या है आपका, इसका लिमिट बताइए एज एक्स गो. जीरो है या नॉन जीरो? नॉन जीरो ना. तो इसके लॉन्ग, इस पाथ के लॉन्ग आंसर माइनस वन आ रहा है, और जबकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या आ रहा था, जीरो. लिमिट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट? डज नॉट एग्जिस्ट. अभी आपका पे ये सेकंड क्वेश्चन हो गया. इज इट क्लियर? थर्ड करिए, जो बोला गया है वैसे करो फटाफट. ये थर्ड मैं करके बता देता हूँ आपको, आप बाकी तीन क्वेश्चंस करिए. लग रहा होगा आज ही, लेकिन अभी होगा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग और रनिंग? हेलो ऑनलाइन, जवाब भी नहीं देते यार तुम लोग. थर्ड क्वेश्चन जी, एक्स स्क्वायर प्लस इन्हों क्या करना है आपको भाई? ये सेकंड डेरिवेटिव नहीं है, प्लीज ध्यान रखिएगा, अपने हिसाब से लिखिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी. क्या चूज करना पड़ेगा फटाफट बोलिए. एफ जीरो इक्वल टू जीरो. हाँ जी, दिस इज, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन. दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 2x plus 2f into f dash divided by 1 plus f derivative. जी, as x tends to 0 ये तो 0 है, और because f 0 0 है तो यहाँ से 0 आएगा, मतलब numerator में फिर 0 आ रहा है, तो इधर भी 0 बना दो भाई. कब बनेगा भाई? देखो थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाओ. ये मेरे को ना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो स्टूडेंट खाली नोट कर करके पता नहीं क्या करेंगे. बताइए क्या आएगा, कितना लेना है आपको? माइनस वन. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग? इसका डेरिवेटिव, एफ डेरिवेटिव का डेरिवेटिव प्लस, ठीक है दिस फाइन, डिवाइड बाय एफ डबल डेरिवेटिव. अब देखते हैं जरा रुक के क्या आएगा. ये हो गया काम खत्म. ये नॉन जीरो आना है तो यहाँ से आ जाएगा, बिकॉज एफ एट जीरो जीरो है, और एफ डर आई थिंक इधर से भी आ सकता है नॉन जीरो, यहाँ से तो आएगा नहीं, पर यहाँ से भी आ सकता है, तब आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है. तो यू नो मैंने आपको क्या बोला था, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू चूज कर लीजिए और साथ दीजिए, एनी नॉन जीरो वैल्यू, एफ डबल डेरिवेटिव जीरो टू बी टू ले लीजिए, थ्री ले लीजिए, फोर ले लीजिए, फाइव ले लीजिए, अपना नाम लिख दीजिए. सो लेट अस चूज ऐसा फंक्शन जिसका सारे पॉइंट्स पर डबल डेरिवेटिव वन है. हाँ जी, जल्दी से बताइए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए भाई? आंसर कर दो. देखो एक्स प्लस अल्फा, जब आप इसमें डेरिवेटिव में जीरो डालेंगे तो ये माइनस वन है और ये जीरो है प्लस अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया आपका? माइनस. पहले के जैसे अगर ये डेरिवेटिव का वैल्यू है तो एफ का वैल्यू क्या होगा बोलो? एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स प्लस बीटा. हाँ जी, इसमें फिर से जीरो डालेंगे, जीरो, ये भी जीरो, बीटा का वैल्यू जीरो. दिस इज एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स. और आप इस फंक्शन के ऊपर, मतलब इस फंक्शन को इसमें पुट करके वैल्यू भी देख सकते हैं, जीरो वैल्यू नहीं है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ गया सबको? बस दिस वे यू कैन फाइंड, पता लग गया आपको किस किस क्वेश्चन में क्या करना. अगर आप कोई और कॉन्स्टेंट चूज करते तो टर्म्स तो ये रहती है, थोड़ा इनके कोएफिशिएंट बदल जाते हैं. आ जाएगा इससे भी आंसर आराम से. राइट नाउ यस नंबर फोर, ऑल ऑफ यू, अब करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा. इसमें पहले आर थीटा पुट करके देखिए, डज इट कंटेन अ थीटा टर्म विच इज विदाउट आर, पहले वो देखना है ना. ये नहीं कि चलो हथौड़ा मिला है, नहीं, देख के बताइए पहले, इट कंटेन्स अ थीटा टर्म विदाउट आर और नॉट, तभी तो आगे बढ़ेंगे. यस, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, ऐसे पुट करके बता दो यार, मैं वेट कर रहा हूँ. इसके पास थीटा टर्म विदाउट आर है या नहीं है? Yes. बस फिर यही वाला मेथड लगाइए.
हो जाइए शुरू। ये तो चीज छोड़ने लायक नहीं है भाई, किताब में तो ऐसे ही लिख देते हैं, पता नहीं कहाँ से कौन से दरवाजे से आ रहे हैं, वो आपको सब समझ में आ जाएगा। हाँ जी, ट्रिपल डेरिवेटिव तक जाए तो क्या हुआ, डेरिवेटिव तो भाई इससे अच्छा मेथड ही नहीं हो सकता, मजा आएगा आपको इतना। हाँ जी, ये न्यूमरेटर तो जीरो है बिकॉज है वेल, यहाँ क्या करना है, एड जीरो दिस इज जीरो, तो ये आई थिंक एफ एफ जीरो को भी आपको जीरो लेना पड़ेगा। ठीक है ना, आ जाओ फिर, तो दिस इज सेम एज, भाई आप लोग वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, जीरो पे ये जीरो है और एफ जीरो तो जीरो मान लिया, तो एफ जीरो का स्क्वायर भी जीरो ही आएगा, तो ये अभी भी ऊपर जीरो ही है, तो डिनोमिनेटर में भी जीरो बनाएंगे, तब एफ एफ डेरिवेटिव को आपको जीरो लेना पड़ेगा फिर से। एफ स्क्वायर एफ डबल डेरिवेटिव एफ डेरिवेटिव टू एफ एफ डैश, बिल्कुल ठीक है, डिवाइड बाय टू प्लस टू एफ डबल डेरिवेटिव। हाँ जी, आइए, आई थिंक अब आपको आगे पंगा लेने की जरूरत नहीं है शायद, या एक बार और हो जाए। अच्छा, यहाँ तो एक्स बचा हुआ है, तो जीरो पे जीरो ही आएगा ये तो, यहाँ एफ है ये भी जीरो पे जीरो ले लिया आपने, डेरिवेटिव को भी जीरो पे, मतलब न्यूमरेटर फिर से जीरो है, एक बार और कर लो, कोई बात नहीं, जरा साथ दो भाई, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये आराम से हो जाएगा। हाँ जी, ये सर देख के डर लग रहा है, हाँ मुझे भी लग रहा है, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ा कर दें आप, तो जरा ये बताइए कितना आएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, 12, तो अगले को देख ही क्यों रहे हो, मत देखो ना, डिनोमिनेटर में बताइए, बोलिए, मैं खत्म हो गया क्वेश्चन, अब आपको पता है क्या करना है, उसको मत देखो, उसको नॉन जीरो चाहिए तो यही आपस में काम कर लेंगे, सो चूज एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एट जीरो टू बी एनीथिंग नॉन जीरो, 12 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, इज इट क्लियर। डबल डेरिवेटिव एट जीरो, अच्छा लिया हमने यहाँ, ये यहाँ से यहाँ आने के लिए अब डबल डेरिवेटिव को क्या चूज करना पड़ेगा, अगर आपने लिखा है तो बेटा ये ऊपर जीरो है तो इसको जीरो बनाने के लिए माइनस वन ना, माइनस वन, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स यही किया आप लोगों ने भी ऑनलाइन, कोई जवाब नहीं है। Yes, what is the value of derivative x? 12 x square by 2 minus x plus beta. अब derivative में 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा. So 0 equal to 0 plus 0 plus beta का value 0. हाँ जी, तो f का क्या value आएगा? 6 into x cube by 3 minus x square by 2 plus gamma. इसमें जीरो डालिए, जीरो इक्वल टू जीरो प्लस गामा का वैल्यू जीरो, सो क्या आपका फंक्शन है, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, और वेरीफाई करना ना भूलें, इस फंक्शन को अपने ओरिजिनल एक्सप्रेशन में डाल के लिमिट निकाल के देख लीजिए कि जीरो के अलावा कुछ और आ रहा ही नहीं है, आर यू गेटिंग द पॉइंट, इसके अलॉन्ग क्या वैल्यू आ रहा है फंक्शन का लिमिट लगाने पे, एनीबॉडी कम से कम वो भी बता दो, x एक्सिस y एक्सिस के लॉन्ग तो जीरो आ रहा था, वी आर इन सर्च ऑफ अ नॉन जीरो वैल्यू थ्रू सम पाथ विच इज पासिंग फ्रॉम जीरो फ्रॉम ओरिजिन, डन, वैल्यू क्या आ रहा है, वैल्यू बताओ,
जीरो तो नहीं आ रहा ना, अलग अलग आए, कोई परेशानी नहीं है, वो तो इस पर डिपेंड करता है यहाँ क्या लिखा है आपने बस, बट यही टर्म्स आएंगे, ये एक्स क्यूब है ना, क्यूब आएगा, हाँ क्यूब आएगा, क्यूब आएगा। आपका भी क्यूब और स्क्वायर ही आएगा, बस कोएफिशिएंट अलग हो सकता है। क्या वैल्यू आ रहा है, 1/2 वैल्यू आ रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को वैल्यू आया है या सब बंद हो गया? अरमान, देवाशीष, निहारिका, रिदम, सलोनी, सैयम, आई एम वेटिंग फॉर समथिंग। यस एनीबॉडी, जो आपका पाथ आया है उसके अलोंग वैल्यू बता दीजिए, क्या आया फंक्शन का वैल्यू एफ एक्स वाई का। बहुत गलत बात है भाई, वेरी बैड। ये रिकॉर्डिंग जो सुनेंगे क्या कहेंगे, नजर कैसे नलायक लोग हैं बैठे हुए क्लास में। अरमान, देवाशीष, निहारिका, रिदम, सलोनी, संयम, व्हाट इज योर आंसर? 1/2 आ रहा है, सो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना। यस सर, बस हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। हाँ जी, ये देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ये वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमने इस वाले पार्ट से अलग से कर लिया, और अब ये देखिए प्रेजेंट क्वेश्चन में क्या लिया था। सर फर्क कैसे हो गया, आपको तो पता है फर्क कैसे हो गया, ये क्या है, कुछ और भी आ सकता है, बस उसमें कोएफिशिएंट फर्क रहेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा और एक्स का टर्म आएगा विद डिफरेंट कोएफिशिएंट्स, जो अलग अलग आप नॉन जीरो कॉन्स्टेंट चूज करेंगे। अरे भैया कुछ आ रहा है समझ में? हाँ जी, पहला करो। yes. एक ही को समझ में आ रहा है, बाकी तो सब विश्राम चल रहा है भाई। आपने किया है, आप सब लोग करो, पहला जो रह गया वो कंप्लीट कीजिए, इसको अभी करिए, कोई होमवर्क नहीं है। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आप तो लास्ट कर रहे हो, आप करो अपना, हम पहला करते हैं, कोई बात नहीं। 2xy डिवाइड बाय x का प्लस 1, 2xy डिवाइड बाय x का प्लस 1, आप करते रहिए अपना अपना करते रहिए। एक बार और बैंड बजाना पड़ेगा।
जी कितना चूज करेंगे, माइनस टू करना ही पड़ेगा, हमें जीरो आंसर नहीं चाहिए, नॉन जीरो चाहिए। सो जो सा पिछले क्वेश्चन से आपने सबक लिया है कि पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है अब तो यहीं से पता लग जाएगा आपको, 2x g ट्रिपल डेरिवेटिव प्लस 2g डबल डेरिवेटिव प्लस 4g डबल डेरिवेटिव, बस आ गया। ये इसके साथ मिलके नॉन जीरो आंसर दे देगा। सो एनीथिंग नॉन, चार ले लेते हैं। दिस इम्प्लाइज भाई बहुत अच्छा होगा अगर आप अपना करें, अपनी हेल्प करो। जी डबल डेरिवेटिव जीरो पे माइनस टू है, सो माइनस टू इक्वल टू जीरो प्लस अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू माइनस टू आ गया। दिस इम्प्लाइज पहला डेरिवेटिव क्या आया, जब डेरिवेटिव में डालेंगे तो ये जीरो बीटा जीरो, यानी ये बन गया आपका टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। तो जी एक्स कितना होगा माय डियर, गामा, वेल डालिए जीरो, तो ये भी जीरो, ये सब जीरो, सो दिस इंप्लाइज ठीक है। इसके अलावा आप निकाल के देख लीजिए।